again another Bali ticket. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का वैसे थर्ड डे और मैं फर्स्ट डे गई थी, जैसे कि अगला सिंधु जहाँ पे आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग जहाँ पे गरबा वगैरह सब कुछ होता है। तो आज है वैसे थर्ड डे, बट मैं जा रही हूँ आज से थर्ड डे अगला सिंधु जाऊँगी। और उसके लिए सबसे पहले है कि मैं अच्छे से रेडी होना मुझे पसंद है, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आते हैं। तो मेरे को हेयर वॉश और थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग करानी है, तो मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने। लास्ट टाइम देखा था मैंने स्टाइलिंग, और आज भी मैं सेम जगह ही जाऊँगी और स्टाइलिंग करते देखती हूँ कैसे होता है। फिर मैं रेडी होती हूँ और आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो चलिए पहले हेयर स्टाइलिंग करते हैं, फिर आप सुनते हैं। और यहाँ पर सलो मेरा सोसाइटी बिल्कुल पास में, जैसे आप देखते मेरी सोसाइटी और आगे ही है सलो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोग ना, जैसे आप देख रहे साइड में, ये लोग गंदगी बहुत रखते हैं। पता नहीं ये स्टॉल्स तो लगे जैसे अपने हम मोमोज गुलगप्पे नॉल के होते हैं, बट यहाँ पे जो है बिल्कुल गंदा है। आप देख सकते हैं गंदगी से रखते हैं, मतलब मैं तो कभी कुछ भी नहीं खा सकती, मैं कुछ भी नहीं लेती, इतना गंदा है ये देखिए छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, बट जो भी रोड वगैरह सब कुछ बहुत साफ है, कोई गंदगी नहीं। बाहर आपको कोई कचरा सचरा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोग रहते गंदे से हैं। मेरी हेयर स्टाइलिंग और मेरा नेल पेंट हो गया डन। अब मैं घर जा रही हूँ वापस और रेडी होती हूँ, रेडी होके निकलती हूँ। तो मैं हो गई रेडी अभी, ये आज का मेरा लुक है। और आज मैं थर्ड डे जा रही हूँ, वैसे मैं सेकंड डे जा रही हूँ, बट नवरात्रि का आज थर्ड डे है। तो ये मेरा लुक हो गया, अभी मैं बाहर दिखाऊंगी आपको प्रॉपर लुक। वैसे मैं लग रहा है डेली मैं सेम लग रही हूँ, क्योंकि मेकअप ही यही है। राज अभी हो गया रेडी, अब इसको डेली कुर्ता पैजामा चाहिए, बस मोटा हो गया है एक दो, तो ऐसे यहाँ देख रहे हो कैसे साधारण एकदम। मैं जैन में एंड में आई थी राज्य के लिए बहुत सारे कुर्ता पैजामा लेके, बट ऐसी हालत हो गई राज्य मोटा हो गया, एक भी नहीं पहन पा रहा है कुर्ता पैजामा, बेचारे को रिपीट करना पड़ रहा है बार बार एक ही। बहुत सुंदर लग रहा है। रील्स बनाने की तैयारी है भाई, चल रही है हमारी प्रैक्टिस।
वहाँ पे होता है गरबा का कॉम्पिटिशन, जिसमें पार्टिसिपेट किया था मेरी फ्रेंड ने, और वो बहुत अच्छा ऑब्वियस बात है गुजरात की है, गुजरात की जो लेडीज करती भाई, वो हस्बैंड वाइफ दोनों इतना अच्छा, मतलब 9 दिन जाते हैं डेली और गरबा दो दो तीन तीन घंटे गरबा खेलते हैं, और बहुत ही अच्छा, मतलब कहीं भी वो पार्टिसिपेट करते कुछ भी करते हैं वो जीतते ही है। लास्ट टाइम वो फर्स्ट आए थे, इस टाइम भी उन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने जीता, बाली का टिकट अलग अलग था, बट क्या बोलते हैं, उनके हस्बैंड ने भी जीता और वाइफ ने भी जीता, चाहेंगे अब और ये है योगी भैया जिनका खुद का ब्रांड है योगी परफ्यूम के नाम से, उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने ब्रांड्स के परफ्यूम उन्होंने सबको दिए, तो इनका बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस है। फीमेल गरबा फर्स्ट प्राइज अगेन अनदर बाली और मुझे वहाँ पे मिली मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर जो मेरे सारे वीडियोस देखती है, और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इंग्लिश नहीं बताया मुझे, उसको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ रह के इतना ज़्यादा इंजॉय किया भाई, इतने सारे प्राइज मेरी फ्रेंड ने जीता जो है यहाँ पे बाली का टिकट, उसके हस्बैंड ने भी, दोनों जाएंगे घूमने। तो अभी मैं अब निकल रही हूँ यहाँ से, हो गया बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि 11:30 बज गए मस्ती मजाक में, तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। घर आ गए वापस, सब कर लिया चेंज, और हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।